हेलो फ्रेंड, शिक्षा एडुकेशन कंसल्टेंसी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं हूं आपके दोस्त डॉक्टर गुलाब। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश में स्थित डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा जो MBBS एब्रॉड और फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, ये मेडिकल कॉलेज मालीबाग ढाका में है। सो आप इस कॉलेज में कैसे पहुँचेंगे अगर आप इंडिया से हो तो? नंबर वन, अगर बाय फ्लाइट जाएंगे तो जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, इन एयरपोर्ट से डायरेक्ट बांग्लादेश के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाइट जाते हैं, जिसके फेयर 3,500 रुपये से 5,000 रुपये तक होता है। मैटर करता है आप किस टाइम में टिकट बुकिंग कराते हो। वहाँ से बाय टैक्सी और बाय बस 30 मिनट का रास्ता है, ओनली 14 किलोमीटर्स। नंबर टू, अगर आप बाय बस जाओगे तो किस बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करके डायरेक्ट ढाका का बस मिल जाएगा। नंबर थ्री, जो स्टूडेंट कलकत्ता से आसपास है वो ट्रेन पे भी जा सकता है, ट्रेन कलकत्ता से ढाका तक जाता है। पॉइंट नंबर टू, अप्रूव्ड बाय सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज को BMDC मतलब बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एंड साथ ही MCI मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और NMC मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स द्वारा भी अप्रूव किए गए हैं। पॉइंट नंबर थ्री, एफिलिएशन, ये मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से एफिलेटेड है। पॉइंट नंबर फोर, फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहेंगे कि बांग्लादेश के हर एक मेडिकल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर हर एक एकेडमिक ईयर में चेंजेस होते रहते हैं। ये चेंजेस कुछ ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी फीस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो बदलाव होता ही रहता है। आज के इस वीडियो में हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं, ये जानकारियाँ 2020 एंड 2021 सेशन पर आधारित है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के तरफ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टोटल 5 ईयर्स का जो फीस है वो है 40,000 USD, इंडियन रुपी के हिसाब से लगभग 29 लाख, जिसमें 1 USD इक्वल टू 72 रुपी के हिसाब से गिनती किए गए हैं। ये 40,000 USD कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट करना होता है और एक ही बार में नहीं देना होता है। जो एक शेड्यूल के मुताबिक देना होता है वो है फर्स्ट सीट बुकिंग अमाउंट 6,000 USD, जो इंडियन रुपी के हिसाब से 4.4 लाख होता है। देन एडमिशन के टाइम में 11,000 USD, जो इंडियन रुपी के हिसाब से 8 लाख होगा। सो टोटल एडमिशन के टाइम पे 17,000 USD देना होगा, जो इंडियन रुपी के हिसाब से लगभग 12.3 लाख होगा। बाकी जो आपका 23,000 USD, इसमें से 5,000 USD जो लगभग 3.6 लाख है, ये अमाउंट आपको नवंबर 2021 में एंड नेक्स्ट 6,000 USD जो लगभग 4.4 लाख करके 3 इंस्टॉलमेंट है, ये आपको मई 2022, दिसंबर 2022 एंड जुलाई 2023 में देना होगा। इस फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस मतलब लॉजिंग है, लेकिन खाने का जो चार्ज है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, जो लगभग 2,000 रुपीज हर महीने है। इसके ऊपर से आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग, फील्ड विजिट, स्टडी टूर के लिए अलग से देना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की आखिरी पॉइंट की तरफ। तो आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर फाइव, व्हाई सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, मतलब सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हम क्यों एडमिशन लें, इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बेनिफिट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। बेनिफिट नंबर वन, लोकेशन, सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज ये 12 Public 3 न्यू सर्कुल रोड मालीबाग ढाका 1217 बांग्लादेश पर लोकेटेड है। मतलब ये मेडिकल कॉलेज मेन ढाका में है, कम्युनिकेशन भी बहुत ही अच्छे हैं। बेनिफिट नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के पास 12 स्टोर मॉडर्न एकेडमिक बिल्डिंग है। बेनिफिट नंबर थ्री,
इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल भी बहुत ही अच्छे हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल मिलेगा और इंटरनेशनल एंड लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग हॉस्टल है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है वो 5-story बिल्डिंग है जिसमें सभी फ्लोर के लिए अलग अलग किचन मिलेगा, आपको वहाँ पर कैफेटेरिया मिलेगा एंड हॉस्टल पर एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। बेनिफिट नंबर 4, इस मेडिकल कॉलेज के पास 500 बेडेड हॉस्पिटल है। बेनिफिट नंबर 5, सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज की एस्टेब्लिश्ड ईयर 2012 है, सो 9 ईयर्स हो चुके हैं और 40,000 USD फी स्ट्रक्चर है जो मीडियम रेंज का है, सो किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक भरोसा है कि अच्छा ही होगा। सो फ्रेंड्स, ये मेडिकल कॉलेज एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। फ्रेंड्स, सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के बारे में बस इतना ही। इसके साथ ही मैं आपको 2 और वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगा एंड ये 2 वीडियो आप अगर बांग्लादेश में एडमिशन लेंगे तो ज़रूर देखिएगा। वो है, आप बांग्लादेश में एडमिशन लेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट्स है, उसके बारे में A to Z डिस्क्राइब वीडियो जिसका टाइटल है व्हाई बांग्लादेश इज बेटर फॉर MBBS कोर्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। एंड बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ वीडियो जिसका टाइटल है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन इन MBBS कोर्स इन बांग्लादेश फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के बारे में जितना सारे जानकारी चाहिए थे वो मिल चुके हैं, फिर भी आपके मन में सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज को लेकर या फिर बांग्लादेश में MBBS करने के लेकर या फिर इंडिया से बाहर कोई भी देश में MBBS या दूसरा कोई भी कोर्स पढ़ाई करने के लेकर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो नीचे दिखे नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके या फिर नीचे दिखाए गए ईमेल आईडी पर ईमेल करके पूछ सकते हो। हम आपके कमेंट के जरूर रिप्लाई करेंगे या फिर शिक्षा एडुकेशन कंसल्टेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हो जिसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। हमारे दर्शक में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करें, उसके लिए अगर आप अपनी लोकेलिटी में इरिगेशन कंसल्टेंसी बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। स्टूडेंट्स के काउंसलिंग के दौरान जितने सारे इंफॉर्मेशन और आइडियाज आपको चाहिए होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही कंसल्टेंसी के रिलेटेड कोई भी सहायता आपको चाहिए होते हैं तो हम यानी शिक्षा एडुकेशन कंसल्टेंसी आपको कोई भी मदद करने के लिए तैयार है। इंडिविजुअली भी अगर आप शिक्षा एडुकेशन कंसल्टेंसी में स्टूडेंट्स रेफर करेंगे तो आपको एक अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। सबसे आखिर में ये बताना चाहेंगे कि इस चैनल में हम पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। मिलेंगे एक नए विषय पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।